यूट्रस की पोजीशन को ठीक करने के लिए 13 योगासन डेली करें। पर्वतासन। पर्वतासन योगा पोज डेली करने से हमारी पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है, एब्डोमिनल ऑर्गन्स हेल्दी रहते हैं, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है, ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होती है। ड्यूरेशन मिनिमम 1 मिनट। योगासन की सही स्टेप्स ब्रीदिंग टेक्निक के साथ सीखने के लिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 का वीडियो अवश्य देखें। सभी योगासन की स्टेप्स मैं ब्रीदिंग टेक्निक के साथ पहले ही बता चुकी हूँ, इसलिए स्टेप्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान न देते हुए आपको बेनिफिट्स बता रही हूँ। पश्चिमोत्तासन योगा पोज। पश्चिमोत्तासन योगा पोज बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल योगा पोज है। इस योगा पोज को डेली करने से फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की फंक्शन इम्प्रूव होती है, यूट्रस की पोजिशन सही होती है। अपनी यूट्रस को सही पोजिशन में लाने के लिए पश्चिमोत्तासन योगा पोज आपको डेली करना है। ड्यूरेशन और स्टेप्स के लिए पहले की वीडियो आप अवश्य देखें। नंबर 3, भुजंगासन योगा पोज। जो लोग भुजंगासन योगा पोज डेली करते हैं, महिलाएं भुजंगासन योगा पोज डेली करती हैं, उनकी फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है, यूट्रस की पोजिशन सही होती है। यह बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव योगा पोज है, इसलिए डेली मॉर्निंग इस योगा पोज को अवश्य करें। मार्जारिया आसन योगा पोज। मार्जारिया आसन योगा पोज डेली करने से एब्डोमिनल ऑर्गन्स हेल्दी रहते हैं, हमारी यूट्रस में ब्लड सर्कुलेशन ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होती है, यूट्रस की पोजीशन सही होती है, इस तरह फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है। डेली मॉर्निंग मार्जारिया आसन योगा पोज आपको करना है। स्टेप्स बहुत ही आसान है, लेकिन ब्रीदिंग टेक्निक के साथ करना है, पहले की वीडियो अवश्य देखें। ब्रीदिंग टेक्निक के साथ आपको योगासन करना है। नंबर 5, शशकासन योगा पोज। शशकासन योगा पोज डेली करने से स्ट्रेस एंग्जाइटी रिड्यूस होती है, यूट्रस की पोजीशन सही होती है, क्योंकि हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स की मसाज होती है, जिसके कारण ही यूट्रस की पोजीशन सही होती है। जो महिलाएं योगासन डेली करती हैं, उन्हें यूट्रस से रिलेटेड कोई भी बीमारी नहीं होती है। अगर कोई बीमारी हुई है तब वह जल्दी ही ठीक हो जाती है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है योगासन डेली करें, इसे हल्के में ना लें। डेली सुबह योगासन करने से हमें ज़्यादा लाभ मिलता है। खाली पेट योगासन करने से लाभ मिलता है। धनुरासन योगा पोज डेली करने से हमारी फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है, हमारी यूट्रस की मसाज होती है, यूट्रस की पोजीशन सही होती है। जो लोग इस योगा पोज को करते हैं, वे लोग जल्द ही समझ जाते हैं कि यूट्रस की पोजीशन सही कैसे होती है। हमारी यूट्रस के ऊपर काफ़ी दबाव पड़ता है, जिसके कारण ही यूट्रस की पोजीशन सही होती है। दोस्तों, लाभ पाने के लिए योगासन में टाइम देना है, 2 से लेकर 3 बार तक दोहराना है। अगर हम योगासन में टाइम देंगे तभी हमारी यूट्रस डिसीज सही होगी। सेतु बंधासन योगा पोज। सेतु बंधासन योगा पोज करने से बहुत सारी बीमारियां ठीक होती है, साथ में फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है, यूट्रस की पोजीशन सही होती है। ब्रीदिंग टेक्निक के साथ ही सेतु बंधासन योगा पोज आप करें, तभी आपको लाभ मिलेगा, इसलिए पहले की वीडियो अवश्य देखें। मैं ब्रीदिंग टेक्निक के साथ
यूट्रस डिसीज को ठीक करने के लिए वीडियो बनाई हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 की वीडियो अवश्य देखें। सही स्टेप्स को सीखें, 2 से लेकर 3 बार तक सभी योगासन आपको दोहराना है। जिन लोगों को हिंदी लैंग्वेज में प्रॉब्लम है वे लोग अब आइए सुप्त वज्रासन योगा पोज करते हैं। इस योगा पोज की स्टेप्स बहुत ही आसान है। पहले सुप्त वज्रासन योगा पोज की पोज में आए। सुप्त वज्रासन योगा पोज डेली करने से हमारी रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स की क्वालिटी इम्प्रूव होती है, क्वालिटी ऑफ फंक्शन इम्प्रूव होती है, क्वालिटी ऑफ हार्मोन्स इम्प्रूव होते हैं, फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है, साथ में यूट्रस की पोजीशन सही होती है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डेली मॉर्निंग योगासन करें, मेरे साथ साथ योगासन करें, तभी आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, मैं लाइव में नहीं आती हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, इसलिए आप मेरी वीडियो को पहले देखें फिर योगासन के ऊपर ध्यान दें, बहुत ही जल्दी आपको लाभ मिलेगा। मैं हेल्थ के ऊपर बहुत काम करती हूँ, पहले स्टडी करती हूँ क्या यह सच में फ़ायदा देता है, तभी उसके ऊपर वीडियो बनाती हूँ। मैं कई साल से इसके ऊपर काम करते आई हूँ, इसलिए आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप योगासन के ऊपर ध्यान दें, यह बहुत ही ज़्यादा मैजिकल है, हमारी सभी बॉडी के सिस्टम को ठीक करता है, साथ में हार्मोन्स को भी इम्प्रूव करता है। आगे है जानू सिरासन योगा पोज। जानू सिरासन योगा पोज हमारी यूट्रस की पोजीशन को ठीक करने में बहुत ही ज़्यादा सहायक है। इस योगा पोज को डेली करने से फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है। 2 से लेकर 3 बार तक आपको दोहराना है। ब्रीदिंग टेक्निक के साथ ही योगासन करना है। आगे है हलासन योगा पोज। हलासन योगा पोज डेली करने से हमारी यूट्रस की पोजीशन सही होती है, फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है। लेकिन जिन महिलाओं से यह योगा पोज ना हो पाए, वे लोग अपने अंगों के ऊपर जोर जबरदस्ती ना करें, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट पोज है। पहले अपनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करना है, तभी योगासन करना है। अगर आप बिगनर्स हैं तब योगासन ना करें, पहले फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव करें तब योगासन करें, तभी आपको लाभ मिलेगा। जो लोग बिगनर्स हैं वे लोग पहले 2-3 ईजी योगासन से शुरू करें, धीरे धीरे योगासन की संख्या बढ़ाती जाएं। अब है फॉरवर्ड बेंड इन बद्धकोणासन योगा पोज। इस योगा पोज को करने से फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है, यूट्रस की पोजीशन सही होती है। यह योगा पोज फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने में बहुत ही ज़्यादा सहायक है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान इस योगा पोज से बचें। सभी फॉरवर्ड बेंड योगा पोज को प्रेगनेंसी के दौरान अवॉइड करना है। सभी योगासन आपको 2 से लेकर 3 बार तक दोहराना है, कम से कम 1 मिनट तक करना है। पवन मुक्तासन योगा पोज करने से हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्दी रहती है, डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव होती है, फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है, यूट्रस की पोजीशन सही होती है। यह योगा पोज गैस को भी कम करने में सहायक है, गैस को पूरी तरह से खत्म करता है, साथ में कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या भी खत्म होती है। सभी योगासन करने से कॉन्स्टिपेशन पूरी तरह से खत्म हो जाती है, ठीक हो जाती है। दोस्तों, लास्ट में शवासन योगा पोज आपको करना है, क्योंकि अगर हम सभी अंगों को रिलैक्स करेंगे तभी हमारी बॉडी के हार्मोन्स इम्प्रूव होंगे, ठीक तरह से काम करेंगे, स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करना है। बॉडी के हार्मोन्स स्ट्रेस और एंजाइटी से जुड़े हुए हैं, अगर स्ट्रेस रहेगी तब हार्मोन्स बैलेंस नहीं रहेगी।